जिसका नाम पुत्रता एकादशी, जो पुत्र प्रदान करती है, जब उसने पुत्रता एकादशी किए ना, तब घर पे गणे आए। लक्ष्मी जो एकादश को करेगा घर को माना वो पैसा आएगा, इसलिए उसका नाम इंदिरा। एकादशी का नाम अर्पता, अर्पता मतलब क्या है, जिसके घर में अर्पणा सरस्वती कमी है, उपजाव कमी है, यदि ये अर्पणा एकादशी करो घर में खूब अर्पणा सरस्वती। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से संसार में जीव को मुक्ति मिल जाएगी। एक एकादशी का नाम विजया, विजय क्यों, अगर एक एकादशी कोई भी व्यक्ति करेगा तुम कहीं पराजय नहीं हो, कहीं तुम्हारी पराजय नहीं होगी, जहां जाकर तुम्हारी विजय विजय होगी। इसलिए जिसका नाम विजया एकादशी, एक का नाम है पाप मोचनी। पाप मोचनी मतलब क्या है, ये संसार में दुख कष्ट की भोग है, बताओ ये पूर्व जन्म का कर्म का फल है, ये पाप की वजह से सारे दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। अगर ये एकादशी कोई करेगा तो जीवन में जितने तुम्हारे पाप है समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। आप देख लेना इस तरह से, जैसे कोई व्यक्ति अंतिम समय में साल साल तक बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसमें काटी प्रसाद कर रहा है, किसी तरह से उधार नहीं हो रहा है, किसे ब्राह्मण को बुला भैया इसकी जल्दी से जल्दी पाप कैसे खत्म होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, देख लेना कौन सा व्रत होता है। वो बताएगा कोई एकादशी व्रत करके इसका फल दे सकता है, उसने और कोई व्रत का नाम नहीं लेना, लेकिन कोई एकादशी व्रत करके इसका फल दे सकते हो, एक ही व्रत का नाम बताएगा। इतनी महिमा, देखो मैं अपना अनुभूति की बात करता था, मैं विदेश में भी प्रचार करके जाता हूँ, मैं कह रहा था कि लोग विदेश में फला का प्रचार करने के लिए, एक व्यक्ति दो साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, शरीर केवल हड्डी हड्डी था, और जितने पैसा डाल दिया वो प्राण अलग में डाल दिया, प्राण ही नहीं था, सरनाए पड़ पड़ के गिर गई। वहां के वो भारत के लोग थे, बिहार से लोग थे, उनको पता चला भारत से कोई सस्ता आए, तब मेरे को बुला करके हॉस्पिटल ले गए। बोले बाबा पिताजी दो साल से पड़े हुए बिस्तर में, शरीर में केवल हड्डी हड्डी, बड़ा कष्ट उठा रहे, आप बताओ क्या करनी चाहिए। मैंने कहा एक काम करो, सबसे सब एकादशी व्रत करो और इसका फल दे दो। बोले बाबा और दस दिन एकादशी बाप, एकादशी दस दिन, एक दिन तो बड़े कठिन से दिख रहा है। मैंने कहा एक काम करो, पूरा परिवार मिल करके संकल्प लो, मैंने कहा आपने पानी दिया बोल दिया, संकल्प करो हम पूरा परिवार मिल करके एकादशी का फल देंगे। हमने संकल्प लगाया, उनको संकल्प करके जब अपने घर में आया ना, जिनके घर में रुका हुआ था, जब मैं घर में आया उनको कौन आया, बोले बाबा पिताजी की मुक्ति हो गई, पिताजी की मुक्ति हो गई। महिमा आप पुराण पढ़ करके देखो, पृथ्वी में जितने व्रत तुम करते हो, शंकर जी के व्रत करते हो, हनुमान जी करते हो, दुर्गा जी करते हो, गणेश जी करते हो, पृथ्वी में जितने सारे व्रत करते हो, सारे फल को तराजू का एक अंक रख लो, केवल एकादशी की महिमा को तराजू दूसरे तरफ से रख लो, सारे पल्ला हल्का हो जाएगी और एकादशी पल्ला भारी बन जाएगी, भारी बन जाएगी एकादशी। देखो कारण क्या है, एकादशी बोले कारण है कि एकादशी व्रत का अधिष्ठान देवता को, अच्छा पहले समझ लो, बढ़िया से दिमाग में बैठा लिया कि एकादशी व्रत का अधिष्ठान देवता को, जैसे सोमवार करते हो, किसके लिए सोमवार होता है, और बोलो शंकर जी के लिए, मंगलवार रखते हो किसके लिए, हनुमान के लिए, बुधवार रखते हो किसके लिए, गणेश जी के लिए, बृहस्पतिवार रखते हो किसके लिए, लक्ष्मी के लिए, हैं शनिवार रखते हो शनि के लिए, ये दूसरे दूसरे देवता के लिए देवादेवी का ही होता है। आप बताओ जगत में तो 33 करोड़ देवता, कितने को मनाओगे, एक को मनाओ दूसरे व्यक्ति मुंह फुला कर बैठाएगा, दूसरे को मनाओ तीसरे व्यक्ति मुंह फुला कर बैठ रहेगा, तीसरे
से खराब हो जाएगी। लेकिन ये बांके बिहारी ये कृष्ण ऐसे के देवता है कि जहाँ पर कृपा हरि की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जिसको अगर बांके बिहारी की और तुम लोग गुजर हो ना, गुजर है ना, गुजर का दो देवता है, एक गिरिराज बाबा गुजर का देवता, एक मोहन बाबा और एक गिरिराज बाबा। ये गिरिराज बाबा गुजर को देवता है, गिरिराज वो नहीं, ये बांके बिहारी आगे से प्रसाद मांगे कि कृष्ण ही स्वयं ये गिरिराज रूप में प्रकट कर दिए थे हैं। ये गिरिराज और मोहन बाबा तो कृष्ण का नाम तो मोहन है ही, समझ रहे हो? इसलिए जब तुम ये एकादशी व्रत कर लिया ना, समझो गिरिराज के लिए व्रत हो गया, बांके बिहारी के लिए कर दिया तुमने, मोहन बाबा के लिए हो गया व्रत, समझ रहे हो? इसलिए अगर सारे व्रत को तुमने कर लिए लेकिन तुमने एकादशी व्रत नहीं किया ना, सारे व्रत तुम्हारे बेकार हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे तुम्हारे सारे व्रत। इसलिए नंद बाबा ने सारे व्रत को कर चुके थे लेकिन घर में कृष्ण जन्म नहीं दिए, लेकिन जब उन्होंने एकादशी व्रत किया ना, कृष्ण भगवान स्वयं ही बेटे रूप में ठाकुर जी जन्म हो गए थे, ठीक है ना? कल सबसे तो एकादशी व्रत रखते हो, ठीक है? और घर में कल अन्न व्रत बनाइए, घर में जो बनाओ कोशिश करना जिससे बाहर भजन कर माता ने काम मत करो, इधर सुनो, इसलिए माता जी चुप रहो, इसलिए कोशिश करना जैसे एकादशी व्रत बाहर भजन हो, कोशिश करना कुछ नहीं खाए, ठीक है ना? बाहर व्यस्त कुछ नहीं खाए, उसको बाद में जैसे कथा सुनने के लिए आओ उसको बाद में फिर खा सकते हो, ठीक है? कोशिश करना इसको बाद में जैसे फूट का पाउडर भी बना करके खा सकते हो, आलू की सब्जी है हैं, और बना के खीर भी बना सकते हो, खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, जितने तरह का फल खा सकते हो, दूध दही खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें। ये एकादशी की इतने महिमा है, कल आपको हम एकादशी कथा सुनाएंगे तो कभी कभी नहीं देखे, हमको पता ही नहीं था कि एकादशी है। अभी सवेरे सवेरे लाई होगी दोनों पति वर्ष में दूध दूध नहीं नहीं होती, इतने में पति तो गिर गया, बोले तू सवेरे पति झगड़ा करना शुरू कर दी, मैं आज भोजन नहीं करूंगा। पत्नी बोली तू भोजन कम करोगे, मैं बनाऊंगी तभी तो करोगे, आज मैं भोजन नहीं करूंगी, भोजन नहीं बनाऊंगी। दोनों ने गुस्सा करके ना उस दिन खाना नहीं बनाया, एकादशी ने भोजन नहीं किया और उसी दिन था एकादशी, उनको पता ही नहीं था एकादशी, जानते हो क्या हुआ? एक एकादशी व्रत किया कल हम कथा सुनाएंगे, एक एकादशी व्रत अनजान में कर दिया और दूसरी जन्म में देश का राजा बनकर जन्म लिया, देश का राजा बनकर रानी बनकर के दौर में जन्म ग्रहण किया। इतने महिमा की एकादशी कल हम सारे कथा सुनाएंगे, इतने महिमा एकादशी व्रत की। इसलिए भागवत में देखो कोई बार बताना नहीं, भागवत में केवल एकादशी कथा हम सुनेंगे। नंद यशोदा कैसे मां हमारे मन में कुछ को जो भ्रम है, देखो क्या क्या भ्रम है। पहला भ्रम है अरे एकादशी तो विधवाएं करती सधवा थोड़ी करती, नहीं भागवत पढ़ करके देखो, नंद मैया यशोदा क्या विधवा थी? और भागवत में अम्बरीश महाराज की कथा कल सुनेंगे, क्या अम्बरीश महाराज उनका पत्नी विधवा थी? ये सबसे जो बड़ी एकादशी कौन सा एकादशी है बोलो? सबसे बड़ी ये पांडव निर्जला एकादशी, पंच पांडव द्रौपदी को साथ में एकादशी सबसे बड़ी। क्या द्रौपदी विधवा थी? तो पांच पांच पति है, रुक्मिणी सत्यभामा कृष्ण की कठिनाई कैसे बने? बोले पहले जन्म में इन्होंने एकादशी व्रत किया, इसलिए दूसरी जीवन में स्वयं बांके बिहारी कृष्ण हमको पति रूप में ठाकुर स्वयं मिले, उन्होंने एकादशी व्रत करने का पहले से। इसलिए देखो पुराण का श्लोक है, अष्टावकर संहिता आसी इसी वत्सर, कितने दिन से कितने दिन तक एकादशी व्रत करनी चाहिए? बोले 8 साल से लेकर के 80 साल तक एकादशी व्रत को रखनी चाहिए, 8 साल से 80 साल तक। देखो दूसरा भ्रम है, पर इसका उद्यापन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? नहीं हमारे कैसे हो जाए, में कोई भी उद्यापन का नाम नहीं, जितना दिन तक तुम्हारी समर्थ है, जितना दिन तक तुम्हारी समर्थ है उतना दिन तक व्रत करो। उद्यापन मतलब कि हमको छोड़ देना, एकादशी को ये लगनी है,
ये राधा की स्वरूप एकादशी है। आप बताओ राधा को कोई त्याग कैसे हुई? घर में आइए राधा रानी को त्याग दे सकते नहीं। हमारे वैष्णव जगत में कोई विद्या का कोई नाम नहीं। जब जब समर्थ एकादशी व्रत करो, जब समर्थ नहीं कर पाए तो ठाकुर जी बड़े दयालु बड़े कृपा हुए। ठाकुर जी थोड़ी थोड़ी से अपराध में ठाकुर जी नहीं लेते हैं, बोले गुना अब देखो ना था ठाकुर इसकी अवगुण को तरफ नजर नहीं देती। ठीक है ना? हाँ, बच्चों बात नहीं करना, बच्चों बच्चों ले इसलिए यहाँ पर बताए जो एकादशी जो करते हैं एकादशी का दिन पटना में गो हत्या नर हत्या गुरु हत्या पिता माता हत्या ये सारे पाप एकादशी का दिन पटना में रहते हैं। अगर जो व्यक्ति एकादशी का दिन पटना आएगा आप पढ़ करके देखो रखो सारे पाप से मुक्ति मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति एकादशी का दिन अर्घ भोजन करते हैं हमको कोई मुक्ति नहीं, कोई मुक्ति नहीं उनकी। इसलिए कल हम किसी विषय पर कल एकादशी होगी हम बहुत अच्छी अच्छी कथा सुनाएंगे। इसमें किसने किया कैसे कैसे एकादशी की एकादशी कैसे मुक्ति मिली बड़ी सुंदर सुंदर हम कल कथा सुनाएंगे। ठीक है कोशिश करना अगर आप परिवार लोग कर सकते तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम लोग गौ है बेटी है कोशिश करना सबको एकादशी व्रत कराने के लिए। अगर कोई नहीं देखो तुम तो खुद कम से कम करो। ठीक है ना? घर में कल कोई कोशिश करना आत्मा भजन को नहीं करने के लिए आलू की सब्जी खा के खाओ पपीता का सीफल कच्चा केला की कितने खाने के लिए बहुत सारी चीज खाने के लिए कोई बड़ी हमारे मंदिर में तो ताला लोग कहते कम एकादशी व्रत आए क्यों टूटी के पकौड़ा बना के खाते हैं बढ़िया फ्रूट भी बना लेते हैं बढ़िया प्रसाद रोज रोज रोटी सब्जी खा रहे हो तो बढ़िया सब्जी मिल जाती है। ठीक है ना? बोले श्री सीताराम जी हरि राम बोले वरिष्ठ सर्व शास्त्र सु हम आगे सुनेंगे अभी सुनेंगे जब से ग्यारह देव जी ने सारे ग्रंथ को उन्होंने रचना की लेकिन उनको शांति नहीं मिली। लेकिन शांति कब मिली जब हमने ये भागवत ग्रंथ रचना किए तभी मन में शांति हमारे मन को शांति मिलेगी। बोले वरिष्ठ सर्व शास्त्र सु जो भागवत है क्या जी बोले सर्व वेद इतिहासाना सार सार समुद्रितम जितने वेद पुराण इतिहास है उसका जो सार सार ही है श्रीमद् भागवत है। बोले तत्र सामृतस्य त्रितस्य नान्यत्रस्यापि अगर एक बार कोई ये भागवत रस में गोता लगा लेना सारे रस उसके सामने फीकी पड़ जाते हैं सारे रस उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। जब कोई ये भागवत रस हो गई पांच लगे तभी तो ये भागवत कथा कितने महिमा क्यों है कारण क्या है कारण तो यही है ना कारण इसलिए का मतलब क्या है बोले करणी च भवान ध्यान दे सुना इतना भागवत मतलब क्या होता है। इसलिए जिस समय श्री परिणित महाराज को ऋषिगण श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दे दिया और कल में मरा हुआ सर्प डाल दिया था बेटे को जब पता चला बेटा ने अभिशाप दे दिया बोले सप्तम दिवस में जिसने मेरे पिताजी की गले में ये मरा हुआ सर्पों को डाला वो सात दिन में उसको तक्षक दर्शन करेगा तक्षक दर्शन करेगा। इसलिए परिणित महाराज ने क्या किया अपना बेटे को राज सिंहासन पर बैठा दिया और बैठा कर उन्होंने सब छोड़ करके गंगा किनारा में गंगा कौन है ठाकुर जी के चरणाम रहते गंगा किनारा में आश्रय दिया वहां पर 18,000 ऋषि लोग सुनने के लिए आए देश विदेश से सब ऋषि लोग कथा सुनने के लिए आए। जब सुनने के लिए आए इतने में श्री परिणित महाराज प्रश्न करते हैं जो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो परसों एक ना एक दिन सबको मरना पड़ेगा कोई नहीं बोल सकता हम मरेंगे नहीं एक दिन सबको मरना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? लेकिन वहां पर जितने ऋषि लोग थे ना बोले नाशो मुनि जस्य व्रतम न भिन्नम ऐसे कोई ऋषि नहीं था जिसका मत अलग अलग नहीं था आपस आपस में तर्क वितर्क करने लगे। इतने में श्री परिणित महाराज ठाकुर जी से प्रार्थना कहे ठाकुर जी
आपका कार्यक्रम माँ की पेट में आप ही रखा गया था। जब मैं माँ की पेट में था अस्वस्थ होने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया था करके तुम्हारा को मारने के लिए, लेकिन उत्तरा ने क्या की कृष्ण चरित्र में शरणागत हो गए। इसलिए कहते ना जात का सानिया मार सके ना कोई और बाल ना बात का कर सके जो जगह रही नहीं रही। जिसको ठाकुर रखा करते हैं जगत में उसको कोई भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। इतने में भगवान स्वयं घर घर में प्रवेश कर करके ठाकुर जी ये परिधि महाराज की रक्षा किए। ठाकुर जी आप तो माँ के पेट में मेरे को रक्षा कीजिए, अभी मेरा अंतिम समय है, आप कृपा करो। केवल 7 दिन मेरे पास में बच्चा हुआ है, केवल तुम्हारी कथा सुनते सुनते समय हमारे बीत गया। तो भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। केवल कथा सुन, क्या करना, केवल ये भागवत कथा सुना। कथा सुनते सुनते जब तक तुमको ये विश्वास नहीं हो गया मैं संसार से मुक्त हो गया हूँ तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। और सचमुच से ये भागवत कथा सुनते 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 इनके लिए गोलोक वृंदावन से रथ आया और परिचित महाराज बड़े सुंदर गोपी मूर्ति धारण करते हुए रथ में बैठे और सीधा कहाँ गए, सीधा गोलोक वृंदावन ठाकुर के चरण में चले गए। ठाकुर के चरण में चले गए, जब ठाकुर के चरण में पहुंच गए ना जगत का जितने पुण्य एक तराज का एक तरफ में रख दिया, तराजू के दूसरे तरफ में जो व्यक्ति भागवत कथा सुनते हो इसका फल रखा तो जिस तरह भागवत का फल रखा है ना वो तो एकदम पत्थर के से जमा रहा और दूसरे तरफ में जितने पुण्य सब के सब हल्का होकर उतर गया। इनको पता चला कि भागवत कथा जैसे पुण्य जगत में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग जो कथा सुनने के लिए आए ना करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य तुम्हारे तभी ये कथा सुनने के लिए आया है। ये सचमुच में पार्वती को कहते हैं बोले अति हरि कृपा जा पर वही पाप देहि के संगत सोई, जिसको अपने ठाकुर की कृपा हो वही व्यक्ति की कथा में आ सकते हैं। इसलिए ताली बजाओ तुम लोग के लिए जो कथा सुनने के लिए आया है। कल जो नहीं आया सफल लेके आई है, बोले आज एकादशी हम लोग वृंदावन से आए, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोग से आते हैं, शंकर जी सीख लोग से, देवता लोग देवता लोग से आते हैं, घर से नहीं आप निकल रहे, घर से तुम निकल नहीं रहे, ठीक है सबके सब को बुला के ले आ रहे। इसलिए जिस समय से भी व्यास गली में इस सारे ग्रंथों को लिख करके शांति नहीं मिली, नारद जी बड़े दुखी होकर बैठे थे, नारद जी बड़े दुखी होकर बैठे हुए थे। इतने में से व्यास जी इतने में से नारद जी आए और नारद जी उनको बताए क्यों तुम्हें शांति नहीं मिल रहा है, शांति तुमको क्यों नहीं मिल रहा है। अभी नारद जी मेरे अपना कथा सुनाएंगे, हमारे लिए प्रभु जी अभी आपको नारद जी कथा सुनाएंगे। नारद जी व्यास क्या बताए, देखो ये जो बच्चे लोग हैं ना कभी तुम्हें बुरा हो गया, हम चाहते मेरे पीछे पीछे बच्चे लोग धीरे धीरे आगे की कथा को संभाल है, इसलिए हम उनको बुला करके बुलवा करके धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये बच्चा अच्छा बोला कि नहीं, अच्छा बोला है, हाँ ये बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 1.5 लाख रुपया की नौकरी छोड़कर बैठे थे, वो आदत का कंपनी दिल्ली में नौकरी कर रहा था जिसका तनख्वाह 1.5 लाख रुपया था, इसको छोड़ करके ही भजन में आया। और ये जो बच्चा है ये जो बच्चा खोलने जा रही है बीटेक किया है, ये भी पिता माता की एक बेटा था, अच्छे घर परिवार का था, लेकिन इसने भी बीटेक किया है, लेकिन उसको छोड़ करके क्लास में फर्स्ट आता था, एकदम फर्स्ट आता था, लेकिन जगत में
हमारे सनातन धर्म में जगह में प्रचार है, लोग हमारी भक्ति में आगे बढ़े, इन लोग बड़ी प्यार दे करके आए जगह में भजन कराने के लिए। ताली बजाओ बच्चों के लिए। दर्शन ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै शिवगुरवे नमः। पाञ्चाल्मतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाप्रभु नित्यानन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्मा ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सत्य श्री श्रीमान भक्ति वेदांत श्री गुरु गोस्वामी गुरु महाराज चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम करवतु कृपा वंच करतमो। तत्पश्चात परम गुरुदेव भगवान रूपांग गुरुवर्ग सुपार्षद गौर नित्यानंद प्रभु वैष्णव वैष्णवी आप सभी कथा स्वरण करने माता है भाई सबको चरणों में आदम का जता जगह स्वीकार हुआ। जिस समय सिपेद व्यास जी ने सत्रह पुराणों का रचना किया, इनका नाम ही व्यास है, बोले व्यास क्यों है, विस्तार से दीप व्यास इन्होंने विस्तार किया, किस चीज का विस्तार किया तो बता रहे हैं सबसे पहले केवल एक ही वेद था। एक वेद को हम जैसे पंथ जी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने विस्तार करके चार कर दिया। कितना किया? चार कर दिया। अभी कितना वेद है? चार वेद है। तो चार वेद को भी फिर इन्होंने देखा कि चार वेदों में भी जो सूत्र होते हैं स्त्री जाति के, जो स्त्री जाति होते हैं उनमें भी वेदों में उनका अधिकार नहीं है, वो भी ढंग से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। फिर से कृपा करने के लिए उन्होंने पंचम वेद महाभारत का रचना किया। महाभारत का रचना करने पर भी उनके मन को संतोष नहीं मिला, यद्यपि महाभारत में कृष्ण कथा ही है फिर भी उनका मन को चैन नहीं मिला। उसके पश्चात उन्होंने कितने उपनिषद रचना किए, कितने सारे सूत्र, इतने सारे ग्रंथ, सारे के सारे रचना करने के बाद सत्रह पुराण रचना की। सत्रह बार पुराण को रचना करने के बाद भी उनको मन को शांति नहीं मिला। जब उनको मन को शांति नहीं मिला, एक समय ये बद्रिकाश्रम पर व्यास जी बैठे हैं और उसी समय पराशर से महाभाग भवती कश्चिदात्मने परितुष्य शरीर आत्मान शरीर। श्री नारद जी बिना बजाते हुए भगवत इच्छा से, क्योंकि श्री नारद जी अभी हम कल कथा सुने थे, नारद जी को साधारण लोग कैसे मानते हैं, बोलते हैं ये झगड़ा लगाने वाले, कल सुने थे ना, तो बोलते हैं ये झगड़ा लगाने वाले, बोले ऐसे नहीं, ये नारद जी भगवान के परम भक्त हैं। ये नारद जी नहीं होता तो वास्तव में इस जगत में भक्ति का जो धारा है वो प्रवाह ही नहीं होता। नारद जी के विशेष करके दो बूढ़े शिष्य और दो बालक शिष्य हैं, बोले दो बालक शिष्य कौन, ध्रुव और प्रहलाद, बोले दो बूढ़े शिष्य कौन है, ये व्यास जी और ये कौन है आप बताओ, ये वाल्मीकि जी है। व्यास जी ने तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की रचना किया और वाल्मीकि ने श्री रामायण की रचना किया। तो देखो ये अगर नहीं होते तो रामकृष्ण की महिमा को हम ठीक से नहीं जान पाते, इसलिए नारद जी कृपा करने के लिए भगवत इच्छा से ये नारद जी उसी व्यास जी जो जिस स्थान पर असंतोष होकर बैठे थे बद्रिकाश्रम में, ये बीना बजाते हुए प्रकट हो गए
देखकर ही बोल रहे हैं शरीर मानस आत्मा हे ज्ञान जी आपका शरीर तो बढ़िया है लेकिन लग रहा है आपके मन में ना बड़ा असंतोष है, आपके मन बड़ा असंतोष है, कोई कहेगा आप सामर्थ्यवान नहीं हो, मन को भटकाते रहते हो, बाकियों के बद्धजीव की तरह हो, बाकियों का हम जैसे बद्धजीव हम लोगों का क्या मन भटकते रहता है, कोई ऐसे कहेगा तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि आप भगवान के साक्षात सत्यावेश अवतार हो, साक्षात अवतार स्वरूप हो, इसीलिए आपके मन भी किसी जागतिक लोगों की तरह भटक नहीं सकता, असंतोष नहीं हो सकता। कोई बोलेगा आपने विशेष शोक है, बोले ये भी नहीं हो सकता, बोले क्यों कृतवान भारतम लोके सर्वभेदान प्रसारणम, क्योंकि आपने पंचम वेद जैसे महाभारत की रचना किया तो आपने इस प्रकार सामर्थ्य ज्ञानी व्यक्तियों को आपने जो जगत के लोग के भांति शोक भी नहीं हो सकता, फिर इस प्रकार का आपके हृदय में इस प्रकार का शोक इस प्रकार का असंतुष्टि आपको क्यों लग रहा है। तब व्यास जी ने नारद जी के चरण में प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके नारद जी को ही प्रश्न पूछते हैं, बोले शोधनम हृदय कि हे प्रभु आप ही मेरे हृदय के भाव को जान करके आप ही मुझे शोधन करो, क्योंकि बिना गुरु के शास्त्र को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिना गुरु भव निधि तरई न कोई, लेते हैं
अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भी कृष्ण को कैसे यशोमती मैया छड़ी लेके उनके पीछे पीछे दौड़ करके भाग भगवाती है और कृष्ण मैया को देख के प्रत्यक्ष रोते हैं। वास्तव में कृष्ण रोते हैं। किस प्रकार कृष्ण नंद बाबा बोलते हैं कि कन्हैया जरा खड़े हो ले, छोटे छोटे लाल जी, छोटे छोटे धीरे धीरे थमक थमक कर चल के कृष्ण कैसे नंद बाबा का बड़ा बड़ा पर्व अपने माथे पे लेके आते हैं और नंद बाबा के चरण के पास रख देते हैं। किस प्रकार कृष्ण अति मधुर से मधुर लीला करते हैं, गोपियों के साथ किस प्रकार लीला करते हैं, घर घर जाके कृष्ण कैसे माखन चोरी लीला आदि करते हैं, कि गोपियों का बछड़े को खोल देना, कि गोपियों का मटकी को तोड़ देना, ऐसे सुंदर से सुंदर जो लीला है और सर्वोत्तम जो रास लीला है, ये सब तुमने वर्णन नहीं किया। बोले ये सब वर्णन करोगे तभी तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगा। बोले ये सब वर्णन करो और देखो नारद जी अपने पूर्व जन्म के चरित्र सुना रहे हैं कि देखो मैं नारद हूँ। ये जो नारद बिना धारी में बिना बजाते हुए जो त्रिभुवन में है भगवान का गुणगान करता हूँ, देवता और दानव मानव कहीं भी चला जाता हूँ सब में मेरे जय जयकार है, सब लोग मुझे सम्मान करते हैं, जानते हो किस लिए? बोले किस लिए जानते हो? बोले देखो मैं पूर्व जन्म में कौन था, अहम पुरातित भवेभवन्ने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपिता नैव योगिना शुश्रूषणे प्रभुषित। कि देखो मैं पहले जन्म में एक दासी के घर में जन्म हुआ, मैं पहले जन्म में एक दासी पुत्र था। किसी समय हमारे गांव में चातुर्मास्या का समय, अभी चातुर्मास्या ही चल रहा है, चातुर्मास्या के समय हमारे गांव में कुछ संत लोग आए और संत लोग चातुर्मास्या में विशेष करके भजन कीर्तन करते हैं, तो हमारे गांव में भी एक स्थान पर बैठ करके कीर्तन आदि करने लगे। तो मेरे माता परम भक्तिमती थी, इसीलिए मैं भी माता ने भी बोले कि संत लोग आए हैं, बोले जाके उनके सेवा करो। मैं भी संत लोगों के सेवा करने में बड़ा उत्सुक था, उनके पास जाया करता था, उनसे उनका पूरा का पूरा सेवा करता था, उनसे जब स्नान करने के लिए उनके लिए यमुना जी से पानी लेके रख देता था, उनके वस्त्र आदि धो देता था, उनके प्रसाद आदि सारे के सारे व्यवस्था करता था। और जिस समय वो लोग संत लोग क्या करेंगे, इधर उधर की तो बात करते नहीं, संत लोग क्या करते हैं, भगवान के भक्ति के बारे में ही आपस में चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं। तो जिस समय संत लोग कथा कर रहे थे उसी समय में वहीं बैठकर उनके कथा कीर्तन को सुना करता था। इसीलिए एक समय संत लोग ने बड़े प्रसन्न हो गए और तो और मैं संत लोग जिस समय प्रसाद वाके छोड़ देते थे जो उच्चिष्ट प्रसाद, वो उच्चिष्ट प्रसाद को मैं ग्रहण कर लेता था। उच्चिष्ट लेपान नन मोचित ध्वजः शत्रु सुम भंजे मतलब सारे पाप नष्ट हो गया। बोले कैसे? संतों का प्रसाद, संतों का अधरामृत, संतों का चरणामृत और संतों का चरण धूली, ये तीन चीज से मेरे सारे प्रकार का पाप नष्ट हो गया। सारे प्रकार का पाप जब नष्ट हो गया, संत लोग तो बड़े में सेवा करते करते हृदय में एक अद्भुत आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैं जिस समय संत लोग उसी स्थान छोड़ के जा रहे थे, मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। तब संत लोग कहने लगे, बेटा इस समय तुम्हारे माता है, तुम अभी नहीं जा सकते, हमारे साथ नहीं जा सकते। संत लोगों ने मुझे बहुत समझाया लेकिन मेरे मन तो समझा ही नहीं। इतना संतों के कथा कीर्तन में मैं रम गया था कि मैं तो उनके पीछे पीछे चलने के लिए पूरा रेडी, पूरा राजी था। अब संत लोगों ने कृपा करके मुझे मंत्र प्रदान किए, संत लोग ने मुझे मंत्र प्रदान किए, ओम नमो भगवते तुभ्या वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरस्य च, इस मंत्र का प्रदान किया। संत लोग ने इस मंत्र को प्रदान करते हुए बोले,
देख बेटा इस समय तेरा कर्तव्य माता का सेवा करना, और माता का सेवा करते करते जिस समय माता का शरीर शांत हो जाएगा उस समय तुम भजन करते करते हमारे साथ आना। तब मैंने माता का कुछ देर तक तो सेवा किया, लेकिन एक समय भगवत इच्छा से मेरी माता वो दुग्ध करने गए थे, सर्प के दर्शन से माता अप्रकट हो गई। इतने में नारद जी सुनके ही ये सब सुनके ही उनके तक्षणात उनके शरीर में वैराग्य आ गया और नारद जी सीधा बन के और चलने लगे। वन में जाते जाते एक स्थान पे एक अस्वस्थ पुरुष के नीचे बैठ करके ये नारद जी द्वारा प्रदान किया गया ये जो संत द्वारा प्रदान किया गया मंत्र नारद जी मन ही मन जाप करने लगे। मन ही मन जाप करते करते ऐसे पूरा तल्लीन हो गए, मंत्र जाप करते करते भाव में डूब गए और भगवान का एक झलक दिखाई दिया। हृदय भगवान का एक झलक दिखाई दिया, एक झलक जैसे भगवान दिखाई दे, आप जैसे ही खोले भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तो नारद जी व्याकुल होने लगे, बेचैन होने लगे, अरे जिस अखिल ब्रह्मांड स्वरूप भगवान का इतने सुंदर स्वरूप का दर्शन कर किया हो तो उसी समय और नारद जी का क्या स्थिति होगा, वो तो पागल हो गए। इधर उधर प्रभु को स्मरण करते करते ढूंढते ढूंढते मानो पूरा प्राण त्यागने ही वाले थे। उसी समय आकाशवाणी हुआ, हंतास्मिन् जन्मनि भवान् मम दुष्करति अभिपक्व कषायानां दुर्दशः कुजो विनाम। बोले हे नारद जी, इस जन्म में आपको केवल मैं इतना ही दर्शन करने के लिए इतना ही देता जितना आपके भाग्य में था। इस जन्म में अभी पक्व कषायानां आप में कुछ कसाय रह गया है, आप में कुछ त्रुटि रह गया है, इसलिए हे नारद जी आप चिंता मत करो, इस जन्म में मैं आपको इतने ही दर्शन दूंगा। जब इतने ही बोल के आकाशवाणी सुनाई दिया, नारद जी बड़े ध्यान करने लगे। बड़े ध्यान करते 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 नारद जी एक एक शरीर छोड़ दिए, शरीर छोड़ दिए नारद जी। मंत्र को जाप करते करते भगवान को स्मरण करते करते जैसे शरीर छोड़ दिया, अगले कल्प में ब्रह्मा के पुत्र बनकर जन्म हुए। वही दासी पुत्र नारद आज साधुओं की कृपा से ब्रह्मा के पुत्र, कहां दासी पुत्र और कहां ब्रह्मा के पुत्र बनकर जन्म हुए। जब ब्रह्मा के पुत्र बनकर जन्म हुए स्वयं ब्रह्मा ने उनको ज्ञान प्रदान किया और गिरिराज पल्लटी में स्वयं युवल किशोर उनको राधा रानी अपने हाथ से एक बीना प्रदान किया। देवदत्तम इमां बीना शरणम विभूषिता मूर्छिता हरिकथा गायमानश्चराम्यः। उसी बीना को ले लेकर के नारद जी त्रिभुवन में जाते हैं और भगवान के बड़े मधुर से मधुर कीर्तन करते हैं। तो नारद जी कहते हैं, देखो व्यासदेव जी, देखो वेद व्यास जी, मैं कहां दासी पुत्र था और कहां साधुओं की कृपा से मैं आज ब्रह्मा पुत्र हूँ, और भगवान की कृपा से और तो राधा रानी के बिना भी मिल गया, और जिस बिना को लेके बजाते हुए मैं त्रिभुवन में डोलता हूँ, त्रिभुवन में भगवान का नाम रूप लीला का कीर्तन करता हूँ, दानव भी देखते हैं तो मुझे प्रणाम करते हैं, मानव देवता तो प्रणाम करते ही है, असुरों स्वभाव में भी मेरा बड़ा सम्मान है, ऐसे नारद जी बोले। ऐसे बोलकर जैसे ही नारद जी चले गए तब व्यास जी को ज्ञान उदित हुआ। व्यास जी ने सरस्वती नदी के जल में स्नान किए, स्नान करके संध्या आदि करके फिर अभी भी बद्रीनाथ कंपन गए हो, अभी भी जिस स्थान पे व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ का रचना किया है उसी स्थान पे अभी भी एक गुफा है, अभी भी एक गुफा है जिसको व्यास गुफा कहते हैं। तो व्यास जी ने उसी स्थान पे जैसे ही ध्यान किए कि आत्मा रामश्च मुनयो, जैसे ही उन्होंने ध्यान किए, ध्यान में ही उन्होंने भगवान के सारे स्वरूप को दर्शन किया, और क्या दर्शन किया, माया च तदुपाश्रिता। भक्ति योग के द्वारा उन्होंने मन ही मन ध्यान करने के द्वारा भक्ति योग के द्वारा
कृष्ण को साक्षात दर्शन किए और तो और क्या दर्शन किए, जो जीव जो माया हमें बड़े तरह तरीके से कष्ट दुख देते हैं, माया में हम पड़े हुए हैं, वो माया भी हाथ जोड़ करके उसी कृष्ण के पास खड़े हुए हैं। माया से तत् उपासित इस प्रकार व्यास जी ने दर्शन किया और फिर 18,000 श्लोक के माध्यम से ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना किया। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोल वेद व्यास नारद जी की, बोल प्रेमानंदे हरि, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखो आज हम कथा से ही विश्वास करते हैं। देखो कितने बजे कथा से कितने से कितने तक कथा होनी चाहिए, बोलो माताओं कितने से कितने तक कथा होनी चाहिए, बोले ना आप लोग बोले थे 12 बजे से कितने तक, 3 बजे तक। हम लोग ने 12 बजे पहले आ गए, हम लोग 12 बजे से पहले आ गए थे, लेकिन यहाँ पर देखा एक लोग आता है ज्यादा कम थे, इसलिए हम लोग टाइम से आ जाए। ठीक है, देखो अब बोलो कितना बिल्कुल 5 दिन बच गए, 5 दिन बच गया ना। हम चाहते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की बात सुनो, जिसको सुन करके भक्ति करो भजन करो और तुमको मन में शांति मिले, हम ये चाहते हैं, समझ रहे हो। इसलिए क्या करना है, देखो ध्यान देखो सुनो, एक छोटी स्टोरी सुन लो, कथा कैसे सुननी चाहिए हनुमान जैसे कैसे, अरे बोलो जोर से, माताएं सुनती है कैसे, ए बच्चों बात नहीं करना, ये भी बच्चों मना करो। इसलिए कथा कैसे सुनती जाइए हनुमान जैसे, मन से सुन लो, ये बच्ची को मना करो, इसलिए हनुमान जैसे। आप लोग ने तुलसीदास जी का नाम सुने होंगे, ये तुलसीदास क्या करते थे, ये रोज रोज शौच क्रिया में जाते थे और एक लोटन में पानी लेते थे और लोटन में जो पानी बच जाती थी वो एक नीम पेड़ को जड़ में डाल देते थे और उस नीम पेड़ में रहता था कि प्रेत, कौन रहता था, हर बोलो जोर से, एक भूत रहता था। ये भूत कोई पवित्र पानी को पी नहीं सकता, वो अपवित्र पानी पीता है, और चूंकि शौच क्रिया के बाद का पानी था इसलिए उसी पानी को पी पी कर जीता रहता था। एक दिन स्वयं भूत प्रकट हो गया और श्री सूरदास ये श्री तुलसीदास जी को बोले, बोले तुलसीदास जी आपकी पानी पी पी कर मैं जीता रहता हूँ, बोले मैंने आपको पानी पिलाया, बोले रोज शौच क्रिया में जाते हैं लोटे लेकर पानी, वो अवश्य इसका पानी को जो डाल करते पेड़ के नीचे ये पेड़ में ले रहता हूँ, इसलिए आपका पानी पी पी करके मैं जीता रहता हूँ। भैया क्या मेरी बेटी ना कोई नहीं, बच्चों को मना नहीं कर सकते, ये बच्चों को मना करो बात नहीं करे। इसलिए उसने बोले इसी पेड़ में मैं अंदर में रहता हूँ, बोले मैं खुश हूँ तुम्हारे ऊपर में कोई बरपा हुआ है। तुलसीदास जी बड़े चतुर हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बोले एक काम करा सकते हो, बोले बोलो, बोले भगवान राम लक्ष्मण को दर्शन करा सकते हो। भूत ने कहा अगर मैं तुम्हें राम लक्ष्मण को दर्शन करा सकता था फिर मैं ये प्रेत बन करके बैठा, पहले तो मेरी उधार हो जाती, बोले मैं तुमको रास्ता बता सकता हूँ, कोई बताओ, बोले तुम अम्बु स्थान पर जाओ, वहां पर देखना रोज राम कथा होती है, क्या होती है ध्यान रख सुना, रोज राम कथा होती है, देखना राम कथा में सबसे पहले एक व्यक्ति आएगा और सबसे पीछे बैठेगा हाथ जोड़ करके और आंखों से आंसू बहाते हुए गदगद होकर कथा सुनेगा, वही हनुमान जी। जब सबके सब कथा विश्राम हो जाएगी, सबके सब चली जाएगी, वो सबको प्रणाम करेगा, वहां का धूल लगाएगा और वहां पर लौट पोट उठाएगा, फिर वहां से चल जाएगा, फिर वो हनुमान जी अब उनका चरण पकड़ लो, फिर राम लक्ष्मण का दर्शन हो जाएगा। सचमुच से वो व्यक्ति आया, आकर देखा कथा से सबसे पहले एक व्यक्ति आया, सबसे पहले आकर के घर को एकदम पीछे बैठे रहा, हाथ जोड़ करके शरीर बड़ा रूपमा और खट्टे खोटे कपड़ा पहन करके
प्रेम में गद्य से कथा सुने हाथ जोड़ करके। और जब कथा जब विश्राम हो गया ना, जब सबके सब चले गए, उस स्थान को प्रणाम किया, वहां का धूल लगाया, जब जा रहे थे ना तुलसीदास जी चरण पकड़ लिए। जब तुलसीदास जी चरण पकड़ लिए, बोले देखो चलो कर क्या करेगी, इतने पूछने बोले अरे मैं शूद्र हूँ, मेरे को छू लिया तो अपवित्र हो गया, छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन तुलसीदास जी को पता है, भूत ने बताया कि हनुमान जी, बोले नहीं मेरे को पता आप इसलिए हनुमान लाल जी हो, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करो, हनुमान जी दया बोले बता दिया चाहिए। बोले राम लक्ष्मण तो दर्शन करा दो। बोले एक काम करना, बोले चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भी और तुलसी दास चंदन जी से तिलक दे रघुवीर। बोले वही पर तुम चंदन किस तरह का राम लक्ष्मण रोज आते हैं और तो चंदन लगाना। लेकिन तुलसीदास जी का क्या स्वभाव था, क्या स्वभाव था, वो भी कभी सर उठा करके कभी इधर उधर नहीं देखते थे। बोले क्यों, आप देख लेना, अब जब भजन करने के लिए बैठे ना, ये आंख सबसे बड़ा दोस्त है। जो जो चीज को इनकी आंखों से हम देखे होंगे, देखे ना मन में कोई चीज याद आता, कोई चीज याद आती है कि नहीं है, मन बड़ा चंचल है, इसलिए वो कभी सर नहीं उठाते। राम लक्ष्मण का आए, उनको तिलक तक लगाया, लेकिन राम लक्ष्मण चले गए, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर हनुमान जी की चरण पकड़ लिया, हनुमान जी बोले राम लक्ष्मण का आए थे, लेकिन तुमने सर उठा करके देखा ही नहीं। बोले मैं तो सर ऊंचा कर नहीं सकता। बोले ठीक है, कल मैं तेरे पीछे छोटा बनकर बैठा, आज जब राम लक्ष्मण आएंगे ना, मैं जब बोलूंगा तब सर उठा करके देखना। बोले ठीक है। दूसरे दिन फिर हनुमान जी आए और पीछे छोटा बनकर बैठ रहे, जब राम लक्ष्मण आए, इतने में तोता ने चिंता पड़ा, देखो देखो सामने ठाकुर जी, सामने ठाकुर जी, जब देखो कहते उन्होंने सर उठाया ना, राम लक्ष्मण का दर्शन हो गया। देखो ये कथा कहने का तात्पर्य है, हनुमान जी कौन, बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्य, जिनकी घर घर में पूजा होती है ना, आप देखना भगवान राम की कितने पूजा होती है, हनुमान उससे ज्यादा पूजा होती है कि नहीं। क्यों, राम की भक्ति की कथा सुनी है, जितने जगह पर करोड़ों जगह पर कथा होगा तो हनुमान सबसे पहले पहुंचते हैं। बता हम क्या हनुमान से बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं। ठीक है, कोशिश करता टाइम से आ जाओ, हम कोशिश करके टाइम से खत्म कर देंगे, ठीक है ना, 3 बजे खत्म कर देंगे, कोशिश कर। देखो पहले कथा कैसे होती है तुम बता दे, सवेरे 4 घंटा और शाम को 4 घंटा, मैंने जो पहले कथा सुनी 4 से 8 घंटा का होती है, फिर जो अभी जो कीर्तन कर रहे हैं नाच को कुछ भी नहीं, केवल कथा ही कथा है। लेकिन उसको घटते घटते फिर हो गया 2 टाइम से फिर खत्म हो गया 1 टाइम, फिर 1 टाइम से फिर खत्म 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 हो गया 3 घंटा 4 घंटा। 4 घंटा से पहले तो मैं जो कथा करता था 5-5, 7-8 घंटा कथा करता था, उससे खत्म होता 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 होते आ गया 3 घंटा, अभी 3 घंटा कोई आने की तैयार है, ठीक है, कोशिश करना। और 5 दिन रह गई, हम चाहते हैं जितने ज्यादा तुम्हें लाभ हो, ठीक है। कल क्या करना, कितने कितने भक्तों को लेकर क्या होगा, अरे बोलो गुरु, कल मैंने बताया था ना गुरु जी कहते जिसको लाओगे आधा तुम लाने वाला को मिलेगा, क्योंकि अच्छे मार्ग पर तुम ला रहे हो, भगवान की भक्ति मार्ग पर, इससे बड़ा तुम कुछ नहीं, ठीक है। कल कोशिश करना कम से कम 2-3 दिनों को अड़ोसी पड़ोसियों को लेकर के आने की, ठीक है ना। कौन कौन लाए, हाथ उठाओ, तो अरे उठा हाथ उठाओ के हाथ क्यों उठा रहे, प्रभु जी बढ़िया बढ़िया, हम प्रभु जी बढ़िया भजन गाएंगे, इसको बाद में आरती और प्रसाद लेकर जाना, ठीक है। एक बार सबके सब खड़े हो जाओ, बड़े समय से बैठे हो नाच लो सबके साथ, ओ यीशु हरि लाल की लगा
Oh,